कदवा प्रखंड क्षेत्र के शेखपुरा पंचायत के रामनगर में शुक्रवार रात के 2 बजे अचानक आग लगने से 2 परिवार के 5 घर जलकर राख हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुन्नू शर्मा, मांगन शर्मा का 3 आवासीय घर, 2 जलावन का घर जलकर राख हो गए हैं। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर का सभी सामान, धान, चावल, कपड़ा, जेवर, 22,000 नगद जलकर राख हो गए हैं। पीड़िता ने बताया कि रात के 2 बजे गर्मी का अनुभव होने पर नींद से आंख खुली तो आग की लपेट देखकर हड़बड़ाकर दरवाजा खोलकर किसी तरह बच्चों को बाहर निकाले। इतने में आग पूरी तरह फैल गई थी। आग की लपेट देखकर ग्रामीणों के जुटने पर आग पर काबू आ गया। पीड़ित ने बताया कि साजिश के तहत आग लगाया गया है। इस मामले पर अनीता देवी ने बलिया बैलून थाने में आवेदन देकर उज्जवल शर्मा, बबलू शर्मा, प्रदीप शर्मा सहित कुल 11 लोगों पर नामजद प्राथमिक दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। रामनगर में आग लगी है, कैसे आग लगी, क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है और जिस तरह से यह आग लगा है इससे प्रतीत होता है कि किसी ने किसी इस घटना को अंजाम दिया है। और जिस तरह का हालात है और एक गरीब आदमी है इस पर बहुत ज्यादा मतलब जो है नुकसान और पूरे कुछ नहीं बचा है और हमको चाहेंगे कि इसका सही जांच होकर दोषी को सजा मिले और इसका सरकारी मतलब जो है कि इसका लाभ होता है वो लाभ मिले और हम लोग जो है पीड़ित के साथ हैं और हत्तुल इम्कान जहाँ तक भी होगा हम पीड़ित को मदद करेंगे, वो पीड़ित के साथ हैं। कितने बजे आग लगी है? ये आग पहला आग जो है 2 बजे रात में हम सोए हुए थे और मेरे घरवाले यहाँ जो हल्ला हुआ तो मेरे घरवाले उठा, हम भी पीछे से उठे तो हमको जो हता हता आया होगा, देखते हैं कि आग लगा था पीछे गाय वाला घर में, तो आग जो लगा तो 2 बजे मतलब हम आते आते 2-4 बाल्टी में बुझ गया। उसके बाद बुझ गया तो गाय खरीदने लगा, हमने गाय थोड़ा मेरा ही पला हुआ है, मेरा ही पालने लिया है लोग, तो वो गाय थोड़ा ला करके वो लोग बांधा, बांध लिया, हमको चलो अब सोएंगे, आग खत्म हो गया, जाके फिर सोए हम, फिर नींद में पड़ गया, फिर 1 घंटे बाद जो है ये आग इस जगह से उठा और इस आग को रोक नहीं पाए, जो कि इतना की है कि यहाँ से आग जो है इस घर में जाने नहीं दिया और उधर अटैच जो है हमारा घर है उधर आग को हम जाने नहीं दिया और इसको फाड़ करके यहाँ से आग इधर आने नहीं दिया, इतना की है, बाकी इस घर को हम लोग नहीं बचा पाए। क्या इसमें सारा सामान जल के खाक हो गया? बिल्कुल, कदम 3-4 क्विंटल तो धान था जो कि खाने का चावल था, गेहूँ था, आटा था, सब नष्ट हो गया, कपड़ा लत्ता से लेकर बिस्तरा तक। अब क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ये आग जो लगा है इसका जो है छानबीन हो। क्या किसी पर संदेह है जो किसी के द्वारा आग लगाया गया है? संदेह है तो है कि ये लोग का विवाद, जमीनी विवाद था और विवाद के अनुसार जो है वे लोग बबलू शर्मा लोगों के साथ ये लोग का विवाद था। कितने दिन से विवाद चल रहा था? लमसम 2-2.5 महीने इससे पहले था लेकिन फिर शांत हुआ था, 2 महीने से तक थोड़ा चल रहा था। क्या नाम है? नवीन शर्मा। और इसके जो हाथ जो है ना, सबसे ज्यादा विवाद जो है नारायण शर्मा ही है।